नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका भारत एट नाइन में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों में घमासान जारी है। ये घमासान वोटरों का हो सकता है, ये घमासान जातियों का हो सकता है, ये घमासान विकास का हो सकता है, और ये घमासान एक्सप्रेसवे का भी हो सकता है, और ये घमासान इस बार एक्सप्रेसवे का ही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठा दिए। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार पर एक्सप्रेसवे की लागत कम करने के लिए गुणवत्ता से समझौता करने का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने गाजीपुर जिला प्रशासन द्वारा एक्सप्रेसवे पर चलने की इजाजत नहीं दिए जाने पर मंगलवार को सपा द्वारा फूल चढ़ाकर सांकेतिक रूप से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का ऐलान भी किया था। इस एक्सप्रेसवे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन कर दिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की राजधानी लखनऊ से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। करीब 341 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर में खत्म होगा। कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जिन किसान बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां के लोगों का कौशल अभूतपूर्व है और मैं किताब में पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते यहां के लोगों से मेरा जो रिश्ता बना है, नाता बना है, उसमें से मैंने जो देखा है, पाया है, उसको बोल रहा हूं। आपने प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को दोनों को साथ मिलकर के अपनी सेवा का आपने मौका दिया और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सब के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा,
जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए 2017 तक प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही आम जनमानस की सुविधा के लिए वायु सेवा के साथ जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल है, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। चलिए अब आपको इस एक्सप्रेसवे की खासियत भी बताते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिस एक्सप्रेसवे को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, कोई कह रहा है कि हमारी सरकार में फाइनल हुआ था तो कोई इसका उद्घाटन कर रहा है, तो ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि ये एक्सप्रेसवे आखिर इसकी खासियत क्या है और ये कितना खास है। एक अनुमान के मुताबिक 341 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफर तय करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगेगा। इस एक्सप्रेसवे से सरकार को टोल से 202 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलेगा। फिलहाल लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी अभी कुछ दिन ये सफर मुफ्त में रहेगा, लेकिन बाद में टोल टैक्स वसूलने का काम निजी कंपनी को दिया जाएगा। ये कंपनी जल्द प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल की दरें तय करेंगी और इसके बाद टोल बूथ पर टोल भी लगेगा। माना तो ये भी जा रहा है कि इसकी दरें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की दरों के आसपास ही रखी जाएंगी। पहला पॉइंट आपको समझा देते हैं, गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। राजधानी से पूर्वांचल के आखिरी छोर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से खेती किसानी के लिए कारोबार के नए रास्ते भी खुलेंगे। सब्जी और दुग्ध व्यवसाय को एक्सप्रेसवे से काफी फायदा होगा। पांचवा पॉइंट ये है कि गाजीपुर से बिहार को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा फिलहाल लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये खासियत है इस एक्सप्रेसवे की। वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इन बातों का खास ख्याल रखें, ये जानना भी जरूरी है आपके लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तो तैयार हो गया है, इस पर आज से आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी कुछ सुविधाएं यहां नहीं है। 341 किलोमीटर के सफर में ना तो रास्ते में पेट्रोल मिलेगा, ना ही टॉयलेट, और अगर गाड़ी खराब हुई तो गैराज भी नहीं है। इतना ही नहीं, खाने पीने की भी व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार का कहना है कि इनके इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपीडिया का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर 8 जगहों पर फ्यूल पंप और 4 जगहों पर सीएनजी स्टेशन बनाए जाने हैं। तो ये थी इस एक्सप्रेसवे की खासियत और क्या कमी है वो भी हमने आपको बताई है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एक्सप्रेसवे होता क्या है, क्योंकि ये जरूरी है किसी भी एक्सप्रेसवे को समझने के लिए कि आखिर इस पे घमासान क्यों हो रहा है और ये क्यों जरूरी है इतना, और आखिर क्यों इस एक्सप्रेसवे के लिए इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम रखा गया था।
एक्सप्रेस वे पर चढ़ने और उतरने के लिए लिमिटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं, जबकि हाईवे पर चौराहे और रेड लाइट भी होती है। एक्सप्रेस वे पर चढ़ने या उसे उतरने के लिए आपको एक ढलान मिलती है। एक्सप्रेस वे को सिग्नल फ्री बनाने के लिए ओवरपास और अंडरपास का इस्तेमाल होता है। ये 6 से लेकर 14 लेन तक के होते हैं। इस वजह से ट्रैफिक स्पीड काफी तेज होती है। किन शहरों से गुजरेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये भी जानिए। ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 9 शहरों से होकर गुजरेगा। इसमें लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। इस एक्सप्रेस वे की वजह से वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज जैसे जिलों को भी फायदा होगा। यूपी सरकार का अनुमान है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने पर हर रोज 15 से 20 हजार वाहन इस पर से गुजरेंगे। धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ेगी। इसको बनाने में कितनी लागत आई है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट योगी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है। इसकी कुल लागत 22,495 करोड़ रुपए आई है। इसमें जमीनों के अधिग्रहण का खर्च भी शामिल है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं। इसमें आवारा पशुओं को रोकने के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और फेंसिंग होगी। रास्ते में अलग अलग जगह टीमें भी तैनात होंगी जो एक्सप्रेसवे पर आने वाले पशुओं को पकड़ेंगी। एक्सीडेंट होने पर क्या कोई रेस्क्यू सिस्टम भी होगा, ये भी सवाल लोगों के जहन में है। किसी इमरजेंसी या एक्सीडेंट के होने पर एम्बुलेंस भी मौजूद रहेगी। इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा होगा। इसके साथ ही जगह जगह पेट्रोलिंग वाहन भी तैनात होंगे। फिलहाल ये सेवा आपको नहीं मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट भी लैंड कर सकते हैं। और आज एक खास एयर शो हुआ है। सुल्तानपुर के कुड़ेभार में 3 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल 6 लेन एक्सप्रेसवे को जरूरत पड़ने पर 8 लेन किया जा सकता है। इसके शुरू होने के बाद 300 किलोमीटर का सफर महज 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। सरकार को इस एक्सप्रेसवे से हर साल 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की उम्मीद है। क्या ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इस वक्त यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये 302 किलोमीटर लंबा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने पर राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से करीब 39 किलोमीटर ज्यादा लंबा होगा। हालांकि ये रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लंबे समय तक नहीं रहेगा। दरअसल 2024 तक मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा, जो कि 594 किलोमीटर लंबा होगा। इस वक्त देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, ये भी जानने के लिए आप लोग उत्सुक होंगे। अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार होंगे तो 1,000 किलोमीटर से भी लंबे होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को तो सरकार दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताती है। उम्मीद है कि 1380 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2023 तक पूरा हो सकता है। हालांकि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे इसी साल जून में चीन में शुरू हो चुका है। इसकी लंबाई 2800 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे बीजिंग से उर्मिची के बीच बना है। अब एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस एक्सप्रेसवे को लेकर ये क्या कह दिया है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ज्यादा अच्छा बना। सपा अध्यक्ष ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस गुणवत्ता के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था उससे समझौता किया गया है, इसे उस गुणवत्ता के साथ नहीं बनाया गया। अभी बरसात हुई थी, उसमें इसकी गुणवत्ता की कलई खुल गई। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी मिलावट की है कि अगर आपने एक्सप्रेसवे पर अपनी रफ्तार बढ़ा दी तो हो सकता है आपको कमर में और पेट में दर्द हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता पूर्ण काम करने वाली कंपनियों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम छीने जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वही कंपनियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाती है तो यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ज्यादा अच्छा बनता। सपा प्रमुख ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि लेकिन पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने कौन सी गुणवत्ता लाने का काम किया। शायद प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि केवल सस्ता बनाने की कोशिश में गुणवत्ता से समझौता कर लिया। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में श्रेय लेने के लिए भाजपा आधी अधूरी तैयारी के साथ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रही है। वैसे सोशल मीडिया पर भी ऐसी जो
कहानियां हैं वो गढ़ी जा रही हैं। तो चलिए कुछ दिनों पहले का एक बयान आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव का, उसके बाद फिर नया वाला बयान भी सुनिएगा। देश का एक बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो बम्बई से दिल्ली को जोड़ेगा और दावा ये कर रहे हैं कि 12 घंटे में दिल्ली बम्बई जुड़ जाएगी। हमें खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने का काम समाजवादियों ने किया। अब दिल्ली वाले अगर बना रहे हैं एक्सप्रेसवे तो लखनऊ क्यों नहीं जुड़ रहा उस एक्सप्रेसवे से, झांसी क्यों नहीं उस एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा। और जिस देश की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही और इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है तो लखनऊ क्यों नहीं जुड़ रहा। तो आगरा लखनऊ से अच्छा एक्सप्रेसवे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता जो पूर्वांचल के लोगों को मिलता, ये गरीबी दूर करता, वहां की बेरोजगारी दूर होती, जो पिछड़ापन था पूर्वांचल को उस पिछड़ेपन को दूर करने का काम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करता। लेकिन पता नहीं कौन सी क्वालिटी हमारे बाबा मुख्यमंत्री लाने का काम किए, शायद प्रधानमंत्री जी पूछेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी से कि जो बेहतरीन कंपनियां थी जो काम करने जा रही थी, बेहतरीन सड़क बनती आगरा लखनऊ से, अच्छी सड़क बनती जिसको इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड से बनाई जाती, केवल सस्ती बनाने के चक्कर में डिवाइडर कम कर दिया, मीडियन कम कर दिया और आधे अधूरे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो भी समाजवादियों का काम जो जनता को समर्पित हो रहा है। हमें खुशी है इस बात की कि पूर्वांचल की भी जनता अब एक्सप्रेस वे पे चल करके लखनऊ और दिल्ली पहुंच जाएगी। मैं इस मौके पर पूर्वांचल की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन आधा अधूरा बन रहा है, समाजवादी सरकार इसके किनारे आने वाले समय में मंडी बनाएगी और जो सुविधाएं देनी थी इस एक्सप्रेस वे के किनारे, जो हमने अपने पिछले घोषणा पत्र में लिखा था कि समाजवादी सरकार बनती तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किनारे मंडी के साथ साथ और भी सुविधाएं देती, वो समाजवादी सरकार बनेगी। हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि इसी तरह की विकास की गति लगातार उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी, जिससे उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर जाए। भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, यही आज अपील है आपसे। जब ये सरकार कहती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में वो टेक्निकल चीजें या उन मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है जो नदियों और जल भराव की जगह पर होता है जिससे पानी निकले नहीं, लेकिन अभी हाल में जो बरसात हुई थी उससे पूर्वांचल एक्सप्रेस कई जगह धस गया था। आखिरकार जो दावा करते हैं कि जो जियो सेल्स लगाई गई हैं, जो जियो सेल्स लगी हैं जो प्लास्टिक की बनी है, क्या ऐसा तो नहीं कुछ कुछ जगह लगाया हो कुछ कुछ जगह गायब रही हूं। फिर ये कहते हैं कि स्पेशल विटामिन यूज हुआ है कि नॉर्मल विटामिन नहीं है, ये मॉडिफाइड बेटर विटामिन है जिसमें रबर के पीसेस हैं, और अगर बेटर विटामिन है तो राइडिंग क्वालिटी क्यों गिर गई। अगर आज के समय पर बेटर टेक्निकल चीजें हैं और बेटर मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, बेटर विटामिन का इस्तेमाल हुआ है तो राइडिंग क्वालिटी क्यों गिर गई, क्यों लोगों के पेट दर्द और कमर दर्द होगा उससे चलने पर, तो इसका जवाब कौन देगा। और जब इंडियन रोड कांग्रेस कहती है जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा था उस समय कोई मानक नहीं थे, इंडियन रोड कांग्रेस ने कोई स्टैंडर्ड लेट डाउन नहीं किए थे, जो बाद में स्टैंडर्ड्स हुए हैं उसमें आपको मीडियन कितना रखना चाहिए जिसकी वजह से लैंड एक्विजिशन ज्यादा की गई थी, समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था इसीलिए लैंड एक्विजिशन ज्यादा की गई थी। तो क्या आपने चलने वालों के साथ ये आपने सिक्योरिटी का सेफ्टी का सवाल नहीं खड़ा किया, जो हाईवे सेफ होना चाहिए था, क्या आप सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे मीडियन को न बना करके, या भविष्य में चौड़ा होगा तो उसके लिए क्या आप नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे यूपी में इन दिनों चर्चा ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, वो क्यों यहां भी सुन लीजिए। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, पूर्वांचल पर पूरी तरह से फोकस है क्योंकि एक बड़ी आबादी पूर्वांचल की है, तो ऐसे में एक बड़ी कनेक्टिविटी की सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी है पूर्वांचल वासियों को, तो ऐसे में वहां के वोटरों को लुभाने की कोशिश रहेगी। साथ ही साथ इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कई दांव भी लगे हुए हैं, कई ऐसे इलाके हैं जिससे ये कनेक्ट होगा, लोगों को आसानी होगी आवाजाही करने में, तो ऐसे माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये ऐसा फैक्टर साबित हो सकता है जिससे बीजेपी को 2022 के चुनाव में एक बड़ी ताकत मिल सके।
अब इतनी बड़ी सौगात यूपी को मिली है और विपक्ष कुछ ना बोले, ये भला कैसे हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की तरीके आदत है कि आधा अधूरे कामों का फीता काटना। जिस तरह से यूपी एडा ने कह दिया है कि अभी तक अप्रूवल नहीं दिया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के ठीक पहले फीता काटने में लगी है। जिस तरह से एक्सप्रेसवे पर कई जगह डायवर्जन है, कई जगह अनियमितता पाई गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम जीवन जो है उसको जोखिम में डालने के लिए सिर्फ फीता काटने पर आतुर है। आपने भी देखा है कि इससे पहले जो भी काम हुए पिछली सरकारों में, उसमें फीता काटने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है सिर्फ और सिर्फ ये सरकार अपनी वाहवाही, अपनी ब्रांडिंग, अपनी इवेंट करने में लगी है, और आने वाले समय में जनता ही भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। इस समय उत्तर प्रदेश में एक चुनावी वातावरण बन चुका है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसे ही सुगुफे छेड़ेगी। जानबूझकर पूर्वांचल एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार किया गया, देरी की गई, और जब चुनाव आ रहा है तो आधे अधूरे वे का उद्घाटन कर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, कम से कम विकास कार्यों को अपनी संकुचित, अपनी कुत्सित, अपनी संकीर्ण और अपनी स्वार्थी राजनीति से परे रखिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहें? बड़े मियां, बड़े मियां, छोटे मियां, सुभान अल्लाह। आपको चाहिए कि आप विकास कार्यों को समावेशी बनाइए और इन पर राजनीति मत करिए। राजनीति के लिए और भी मुद्दे हैं, कम से कम देश का विकास और राष्ट्र मन को आघातित मत कीजिए। जैसा कि आज देश के प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए, साथियों मैं बताना चाहूंगा, पूर्वांचल एक ऐसा गढ़ बन गया है और ये भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी, जिसे कह सकते हैं भारतीय झूठ पार्टी, ये झूठ बोलने में माहिर है, पगलाने में माहिर है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में बहुत सारी खामियां दिखाई देंगी। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगा रखी है, जब से आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने मोर्चे के साथ में समाजवादी के साथ गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी की पूर्वांचल में नींद उड़ी हुई है। इसी के साथ बताना चाहूं खामियों में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की और योगी सरकार कह रही है कि हम मिट्टी की कटान बारिश में रोकने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होके आया हूं, सिलिकॉन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। रात में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो गाड़ियां चलती हैं उनकी डिस्टेंस में लाइटों की कितनी दूरी होनी चाहिए, उस पर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मिलाजुला के ये है कि सपा सरकार में बनाई हुई चीजों को केवल ये अपने हिसाब से काटना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि योगी सरकार, जो कि बनारस से जोड़ती थी एक्सप्रेसवे, योगी सरकार ने बनारस से एक्सप्रेसवे को हटाने का काम किया, और ये मिला जुला के पूर्वांचल के एक ऐसा एक्सप्रेसवे में आदरणीय अखिलेश सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय था और ये सच बनाया हुआ था, लेकिन योगी सरकार ने उसको भ्रमित करके उसके टेंडर को घटा करके लूट में घसूट करने का काम किया, अपने लोगों को उसमें बढ़ाने का काम किया, और इस एक्सप्रेसवे में महा घोटाला दिखाई देगा समय आने। तो ये है यूपी का नया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसको लेकर पिछले कई सालों से घमासान छिड़ा हुआ था, और जब से इसके इनॉग्रेशन की डेट नजदीक आ रही थी तब से घमासान और ज्यादा तेज हो गया। अखिलेश यादव कहते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर सफर मत करिएगा, आपके पेट में, आपके कमर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि गुणवत्ता सही नहीं है। वहीं योगी सरकार ये कहती है कि विपक्ष ना तो अपनी सरकार में कुछ कर पाए जब वो सत्ता में थे, ना अब कुछ करने दे रहे हैं, कुछ अच्छा होता है तो ये सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंच से सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा और निशाना साध के बोला है कि अब गरीबों को जगह मिल रही है, गरीबों को मकान मिल रहे हैं, ये अब गरीबों के लिए काम हो रहा है, लेकिन पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। तो बात जनता की, जनता के लिए एक्सप्रेसवे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इसका उद्घाटन कहीं ना कहीं कई मायनों में बेहद खास है। आज के इस एपिसोड में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। At GLA University, we make the way. We inspire.
We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job.